बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवर इंडिया के गाइड करने का महाराज जी, हमने बहुत ही सुंदर चर्चा की और आपने बहुत ही सुंदरता से हम सबको मार्गदर्शन दिया, हमारे दर्शकों को भी आपने मार्गदर्शन दिया। महाराज जी, यहाँ क्या एक जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए या गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए, अपनाने के लिए, संसार के धर्म को अपनाने के लिए और प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता है? निश्चित और निसंदेह कोई भी कार्य हमें करना है जब, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है जो पहले से उस कार्य का विशेषज्ञ है। हमें गाड़ी ही चलानी है तो हमें कहीं ना कहीं जिसको पहले से गाड़ी चलानी आती है उसकी शरण लेनी है। आप देखते हैं कि कोई बच्चा कहीं डिग्री लेके आ जाता है, लॉ कर लिया, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि अपने से किसी सीनियर एडवोकेट के पास जाके उसे कुछ समय तक रहना पड़ेगा। कोई डॉक्टर है, कोई MBBS कर रहा है, लेकिन उसे इंटर्नशिप के लिए कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में रखा जाता है कि पहले किसी अनुभवी डॉक्टर की शरण में, उसकी सन्निधि में रहे वो, ताकि उससे कुछ और गुण उसका अनुभव सीखे। तो जब एक लौकिक कार्य के लिए हम ये सोचते हैं और देखते हैं कि एक व्यावहारिक कार्यों के लिए भी किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती ही है, तो अध्यात्म तो एक ऐसी विधा है, एक ऐसी स्थिति है जो बिना किसी उचित मार्गदर्शक के सिद्ध नहीं होती। तो उस उचित मार्गदर्शक को हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का शब्द दिया गया है कि गुरु कौन? जो अंदर के अज्ञान को दूर करके अंदर प्रकाश ले आए, और वो प्रकाश सद्वृत्तियों का, वो प्रकाश सद्विचारों का, सत्कर्मों का, सदाचार का, सद्भावनाओं का प्रकाश। और उसके लिए निश्चित और निसंदेह गुरु की आवश्यकता है। अगला प्रश्न उसके साथ और हो सकता है कि क्या कहते, लेकिन आवश्यकता निश्चित रूप से है। महर्षि, यहाँ पर आप एक और प्रश्न ये आता है कि अब जो भौतिक जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए क्या अलग अलग गुरु की आवश्यकता है कि या एक ही गुरु दोनों रास्ते बता सकता है? एक तो ये प्रश्न है महाराज, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि जो हम कैसे पहचाने कि हमारा गुरु कौन हो सकता है? तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता को दोनों को जीवन है, जीवन में कहीं ना कहीं भौतिकता साथ साथ रहेगी। जीवन जीना है तो केवल जंगल में बैठ के जीवन नहीं जिया जा सकता। केवल कोई सामान्य व्यक्ति कहे कि हम त्र्यंबकेश्वर जा करके वहीं बैठ जाएं और भगवान जी, वो भी नहीं संभव। तो भौतिकता तो जीवन के साथ साथ रहेगी, कहीं खाना भी पड़ेगा, कि देखना भी है, कहीं और भी व्यवहार हैं, तो वो साथ साथ है ही। लेकिन केवल भौतिकता का जीवन वो भी अधूरा जीवन है, इसलिए आध्यात्मिकता भी साथ साथ आवश्यक है। तो गुरु की सर्वांगीणता पूर्णता उसी स्थिति में है कि जीव को अध्यात्म आधारित भौतिकता का साधन बताए, एक ऐसा साधन बताए जिससे उसका भौतिक व्यवहार भी ठीक चले, उसका भौतिक व्यवहार उसका बंधन ना बने। मान लो किसी को पर्वतीय ऊंचाई या हिमालय के एवरेस्ट तक का वो रास्ता बताना है, या उसको हिमालय की ऊंचाई पे पहुंचना है, तो जमीन पर तो ठीक चलना आना ही चाहिए उसको। समतल भूमि पे चलना नहीं आ रहा हो और बात केवल हिमालय की ऊंचाई की करें, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक अधूरापन ही होगा। तो भौतिक व्यवहार भी अच्छे ढंग से हो और आध्यात्मिक ऊंचाइयों की, क्योंकि स्टेप्स हैं हमारे यहाँ, ये भौतिक व्यवहार के स्टेप्स, एक एक स्टेप करते करते फिर जीव उस अध्यात्म की ऊंचाई पे पहुँचता है। तो गुरु का यही कर्तव्य बनता है कि व्यवहार कैसे शुद्ध हो, आहार कैसे शुद्ध हो, और मनुष्य की पूर्णता कैसे, और उसे अध्यात्म के साथ जोड़ा जाए। और दूसरा जो प्रश्न किया गया कि कैसे पता चले कि हम जहाँ चाहते हैं जो वहाँ से हमें ठीक गुरु की स्थिति से मिले, आपका थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि हमारे पास
प्रश्न आते हैं महाराज जी, जो हमारे दर्शक है श्रद्धालु है उनका ये कहना है कि आज ये पूरे संसार में भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हो गए और बहुत सारे गुरु होने के बाद में भी अब ये नहीं पता चलता कि उनके लिए कौन सा गुरु सही है। कुछ गुरुओं का उन्होंने पालन किया है महाराज जी, मंत्र भी लिए, लेकिन कुछ समय के बाद उनके साथ में लगा कि नहीं हमने गुरु अच्छा चुनाव नहीं किया है, तो फिर वो दूसरे गुरु का मंत्र लेते हैं तो भटकते हैं महाराज जी, पूरे जीवन में भटकते जाते हैं भटकते जाते हैं। तो अच्छे गुरु की क्या परिभाषा है, क्या ये शिष्य तय करता है कि मेरा गुरु कौन होना चाहिए, या गुरु तय करता है कि मेरा शिष्य कौन मेरे लिए पात्रता रखता है और मेरे लिए फिट है? बड़ा गहरा प्रश्न है और विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे प्रश्न को लेकर उत्तर देना, कुछ खुला रूप में कहना, कुछ साफ कहना, वो बड़ा एक संवेदनशील विषय है। वस्तुतः गुरु यदि स्वयं को गुरु मान लेगा तो वहाँ कठिनाई है, आप भले ही ऐसा शब्द कहें, लेकिन एक गुरु यदि स्वयं को गुरु मान के चलेगा कि मैं गुरु हूँ तो वहाँ कठिनाई है, और अगर शिष्य ये मान के चलेगा कि मैं गुरु बनाने चला हूँ तो वहाँ भी कठिनाई है, ये दोनों कठिनाई की स्थितियाँ हैं। तो शिष्य को ये मान के चलना होगा कि मुझे गुरु नहीं बनाना, मुझे शिष्य बनना है, और गुरु को ये मान के चलना होगा कि मुझे गुरु बन के नहीं रहना, मुझे शिष्य के धरातल पर उतर के शिष्य की स्थिति को देखना है और शिष्य को उस गुरुत्व की स्थिति में लेके आना है। तो ये दोनों स्थितियाँ जब एक समानांतर स्थिति में आएंगी तो गुरु तत्व तो प्रकट हो पाएगा। और जहाँ तक बात है कि पहचान कैसे हो, अब पहचान तो देखो आजकल के समय में पहचान की बात, क्योंकि आजकल तो खुले आह्वान हैं, पहचान नहीं है, पहचान की बात तो है ही नहीं, अब तो खुले आह्वान हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसे खुले आह्वान की कहीं परंपरा नहीं थी। तो शास्त्र की परंपरा तो ये है कि किसको कब गुरु बनना, शिष्य बनना है और कहाँ बनना है, तो ये वो अपने अंदर से प्रश्न करे, जब और जहाँ। हमारे से जब कोई ये कहता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि भाई जब और जहाँ तेरे अंदर की स्थिति से ये आवाज आ जाए अंतरात्मा की, अब और यहाँ, ये उचित स्थिति है, और वो आवाज आती है अंदर, वो आती है। अगर मान लो एक हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरु कामल शिष्य आमल तो खुदा शामिल। गुरु कामल, कामिल कहते हैं कि अपनी स्थिति में थी, गुरु कामल शिष्य आमल, शिष्य वचन पालन करने वाला हो और खुदा शामिल। तो बात उसमें ये देखने की है कि जिसकी निकटता से हमें स्वाभाविक ईश्वर की ओर हमारा ध्यान जाए, जिसकी निकटता से हमारी भावनाएं स्वतः ईश्वर की ओर आकर्षित हों, क्योंकि गुरु की भूमिका हमारे यहाँ ये कही गई है, गुरु की भूमिका जो ईश्वर के साथ जीव को जोड़े, गुरु एक बिचौलिया है, गुरु एक पोस्टमैन है, गुरु एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है जीव और ईश्वर के बीच में। गुरु की वह स्थिति नहीं कि जीव को केवल अपनी ओर खींचे, स्वयं माध्यम बन के जीव को ईश्वर की ओर ले जाए, और जहां से ऐसा लगे यहां लगने के बाद मेरा ईश्वरीय भाव और जागृत हो सकता है, हो रहा है, तो वहां हमारे विचार में उचित स्थिति है। और हमारे शास्त्र में बार बार कहा है, जैसे ये कहा गया, इसके भी कई बार अलग से अर्थ लिए जाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, बलिहारी गुरु आपके। तो यहाँ कई बार ये समझ लिया जाता है कि गुरु ही ईश्वर से ऊंचे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कहा गया बलिहारी गुरु आपके, मैं आपके बलिहार जाता हूँ, क्यों? क्योंकि आपने मुझे गोविंद का मार्ग दिखाया, आपने मुझे ईश्वर की ओर मोड़ा है। तो दोनों तरफ आज विचार की आवश्यकता है, हम लोगों के लिए भी बड़ा सजग रहने की और विचार करते रहने की आवश्यकता है, और समाज के लिए भी एक विचारणीय स्थिति है कि हम जल्दबाजी में एकदम देखा देखी में, ये ऐसा नहीं, हम अंतर आवाज की प्रतीक्षा करें,
और ईश्वर जब तक नहीं है ऐसी स्थिति, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा करो, मुझे मेरे जीवन के लिए कोई सही मार्गदर्शन मिले, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा भी आपका मार्गदर्शन करें। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने परिभाषा बताई थी। यहाँ पर प्रारब्ध का भी कोई फैक्टर है क्या महाराज जी? हमारे प्रारब्ध से भी गुरु मिलते हैं, पूर्ण कर्म से भी गुरु मिलते हैं हमें। जहाँ तक प्रारब्ध की बात है, हमारे विचार में प्रारब्ध से संसार मिलता है एक बात, प्रारब्ध यदि सतोगुणी है तो ऐसा वातावरण मिलता है दूसरी बात। लेकिन गुरु की जो प्राप्ति है वो या तो उसमें ईश्वरीय कृपा है या कोई हमारे बहुत तीव्र जिज्ञासा जिस समय हमारे अंदर जागृत होगी कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए कोई मेरे जीवन के कल्याण का मार्गदर्शन, तो हमारी प्रबल जिज्ञासा हमारे लिए कोई निश्चित रूप से उचित मार्गदर्शन प्रस्तुत करे। महर्षि, अभी जहाँ तक हमने सुना है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य मार्ग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, इनको कंबाइन किया जाता है। तो आप महर्षि हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तीनों में से सरल मार्ग कौन सा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और तीनों मार्गों में अंतर क्या है, क्या तीनों एक साथ में चल सकते हैं? वस्तुतः गीता के अनुसार तीनों एक साथ भी चल सकते हैं, तीनों स्वतंत्र भी हैं। इसको अगर शरीर की अवस्थाओं के अनुसार लें तो ऐसा भी है, यौवन अवस्था में कर्म योग जो एग्जैक्ट, उसके बाद जब प्रौढ़ अवस्था है उसमें भक्ति योग, ईश्वर को भी ईश्वरीय पूजा ईश्वरीय भाव साथ साथ, और उसके बाद जब थोड़ा वृद्ध अवस्था है तो तब एक ज्ञान योग, तब तो केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही। उसको इस रूप में भी हम तीन योगों को ले सकते हैं। जैसे हमारा जीवन की पूर्णता जो है, शरीर फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, मन जो विचार करता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, ये तीन हमारे मुख्य अंग हैं, तन मन और बुद्धि, इन तीनों के लिए तीन योग हैं। शरीर कैसे ठीक ढंग से कर्म करे उसके लिए कर्म योग है, मन की इमोशंस जो हैं वो रॉन्ग डायरेक्टेड ना, कहीं दिशा भ्रमित ना हो जाए विचार, उसके लिए भक्ति योग है, और बुद्धि का ज्ञान जो है वो विपरीत दिशा में बुद्धि बिगड़ ना जाए, जो बुद्धि बिगड़ी तो गीता ने कहा सब कुछ बिगड़ा, तो उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। और हम उसके लिए एक बात प्राय कहते हैं कि अगर ये तीनों साथ साथ स्टेट हो जाए, हेड हार्ट और हैंड, ये त्रिएच जो है, हेड मस्तिष्क, उसके लिए ज्ञान योग को आप साथ रखें, हार्ट अपनी भावनाएं, उसके लिए आप भक्ति योग को साथ रखें, और हैंड क्रिया शक्ति, उसके लिए आप कर्म योग को साथ रखें, तो आपका जीवन जो आज जो प्रारंभ हुआ ये विषय कि जीवन की पूर्णता का दर्शन उसे लेकर के, वो निश्चित रूप से उस पूर्णता की स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है जब ये तीन योग तीनों को साथ लिया जा सकता है। सरल योग की बात करें तो हमारे विचार में मुश्किल कहीं भी नहीं है, क्योंकि तीनों अवयव उसका प्रयोग करना है, तो आओ मिलकर के हम हेड हार्ट हैंड इन तीनों को स्टेट लें, तीनों में गीता के तीन योग जोड़ें, जीवन की पूर्णता की ओर चलें, जीवन को आगे बढ़ाएं। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, ये एक अद्भुत कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, वो कार्यक्रम हमें पूर्ण विश्वास है कि जीवन को, समाज को, और विशेष रूप से पथ भ्रमित होती जा रही मानवता को एक सही दिशा देने में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कण कण के लिए, जन जन के। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने बहुत ही सरलता से हम सबके जो भ्रांतियाँ थी वो आपने दूर की अपने ज्ञान द्वारा से, और हमारे दर्शक भी पूरे आज इस कुंभ में मानसिकता से उन्होंने नहाया, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ महाराज जी, उनको भी अमृत प्राप्त हुआ महाराज जी, और हम सबको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ। महाराज कुंभ क्षेत्र से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
कुंभ जो है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की एक दिव्य आस्था का प्रकट रूप है। हमारी भारतीय परंपराएं जो हैं उसकी जो नींव है वो श्रद्धा है, वो भाव है, और कुंभ जो है उसका एक विराट स्वरूप है। अब देखेंगे कि कुंभ में लाखों लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी अंतर चेतना हमारी उस मूल दिव्यताओं के साथ जुड़ी हुई है। कुंभ में लोग अमृत के भाव से आते हैं, अमृतत्व के भाव से आते हैं। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या आज भी वह अमृत सुरक्षित है? आप विश्वास रखें, वह अमृत सुरक्षित है, लेकिन उस अमृत को अनुभव करने के लिए आप कुंभ स्नान करें, अच्छी बात है, लेकिन उस अमृत तत्व को अनुभव करने के लिए आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं, उस अमृत तत्व को अनुभव करने के लिए आप अपने भीतर की चेतना को जगाएं, उस अमृत तत्व को अनुभव करने के लिए आप जीवन की एक सही दिशा पकड़ें, सही दिशा के ट्रैक पर जीवन को चलाने का निर्णय करें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जब दिशा सही मिल जाती है तो गंतव्य दूर नहीं होता। जीवन का गंतव्य अमृत है, अमृतस्य पुत्रः, हम सब अमृत की संतान हैं। आओ कर्म ऐसे करें, व्यवहार ऐसा बनाएं, विचारों को उस ऊंचाई पर लेकर आएं जहां जो व्यवहार में आज व्याप रहा कहीं ना कहीं कुरीतियों का, विकृतियों का जो विष व्याप रहा है वो विष अमृत बन जाए, बन सकता है। भाव खुला बनाएं, सद्भाव खुला बनाएं, खुले रहें, खिले रहें, खाली रहें, जीवन को सही दिशा की ओर ले चलें। ओ बहुत ही सुंदर चर्चा महाराज की रही, महाराज सुंदर संदेश भी दिया हम सबके लिए। यही है कुंभ और यही है कुंभ की खूबी, यहाँ पर मंथन होता है विचारों का और हमें अमृत पान होता है। महाराज जी के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि महाराज जी के साथ में और घंटों घंटों में चर्चा करते रहूं। हमारे को मार्गदर्शन यहाँ से मिल रहा है और अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। पहली बार प्रैक्टिकल जीवन के संबंध में हमारे को संत महापुरुष से एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिन्होंने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों जीने की प्रेरणा दी है, और जिन्होंने ये कहा कि भौतिक जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। हम सब जगनों में नहीं जा सकते, हम सब संत नहीं बन सकते हैं, कर्म करना बहुत आवश्यक है, लेकिन अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त कर दूँ, मैं महाराज जी का सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ, महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ क्षेत्र में और हम सबको ज्ञान दिया। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु।